नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में और मैं हूं आनंद कुमार। इस लॉकडाउन की वजह से हमारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया है, क्या हमने इस बात पर एनालिसिस करने की कोशिश की? रहने का तरीका बदल चुका है, जीने का तरीका बदल चुका है, कहने का मतलब है हमारी पूरी लाइफस्टाइल बदल चुकी है। इस लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। आज से ठीक एक महीना पहले क्या आप ये सोच सकते थे कि आप लगातार एक महीने तक अपने घर में रह सकते हो? तो इस लॉकडाउन ने हमें सेल्फ कंट्रोल सिखाया है, इस लॉकडाउन ने हमें फैमिली वैल्यूज सिखाया है, इस लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। इस लॉकडाउन की वजह से हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। हालांकि ये सेल्फ एनालिसिस की बात है कि ये बदलाव आप में किस रूप में आया है, सकारात्मक रूप में आया है या नकारात्मक रूप में आया है, तो इस बात पर आप एनालिसिस जरूर कीजिएगा खुद से कि आपके अंदर इस लॉकडाउन की वजह से सकारात्मक बदलाव आए हैं या फिर नकारात्मक बदलाव। खैर, आज हम लोग यहाँ पर इसीलिए हैं क्योंकि आपके बहुत सारे सवाल मुझ तक आ रहे थे, आपकी बहुत सारी परेशानियाँ मुझ तक आ रही थी। उसके बाद मैंने भी टेलीग्राम में एक मैसेज पोस्ट किया था कि अगर आपके मन में किसी भी प्रकार से कोई संदेह हो, किसी भी प्रकार से कोई डाउट हो, परेशानी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सेम मैसेज को मैंने यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में भी डाला था कि अगर आपके पास में कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। उसके बाद आपके सैकड़ों सवाल मुझ तक पहुँचे। हालांकि सैकड़ों सवाल थे और अलग अलग सवालों का मैं अलग अलग जवाब नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने कहा कि मैं एक वीडियो एनालिसिस करूंगा इसका। और आपके सभी सवालों के आधार पे मैंने ये 8 से 10 सवाल यहाँ पर बनाए हैं जो कि आप सभी के कॉमन सवाल थे, और इन्हीं सवालों का आज हम यहाँ जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपकी जो भी परेशानी है उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम आपके सवालों का ही एनालिसिस करेंगे कि ये सवाल आपके मन में कहाँ से आया, उसके बाद इसका समाधान क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपके इन सवालों को समझते हैं। तो आपके सवाल इस प्रकार से हैं कि क्या मेंस का पेपर पोस्टपोन्ड होने वाला है, प्रीलिम्स 2019 का रिजल्ट कब आएगा, क्या 2020 में कोई वैकेंसी आएगी भी या नहीं, क्या पीएससी 2019 का एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला है, माइंड बहुत डाइवर्ट हो रहा है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई में, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे बच्चों के तो इस प्रकार से भी सवाल थे कि कोचिंग सेंटर्स बंद हैं तो हम कैसे पढ़ें, पढ़ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे नए बच्चे हैं जो अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बना पा रहे हैं, वो पढ़ना चाहते हैं इस लॉकडाउन के दौरान लेकिन उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, वो भी परेशान है। बहुत सारे बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं लेकिन वो भी जानना चाहते हैं कि इस लॉकडाउन में हमारी स्ट्रैटेजी किस प्रकार से होनी चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत सारे सवाल थे। मेरे पास जितने भी सवाल पहुंचे उसमें से 75% जो सवाल हैं वो इसी तरह से थे। इसके अलावा जो 25% क्वेश्चंस हैं वो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, किसी को किसी विषय में परेशानी है, किसी को नोट्स बनाने में परेशानी है, इस प्रकार से भी परेशानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपके मन में इस प्रकार से सवाल आए कहाँ से। ये तो हम सभी जानते हैं कि आपके मन में जितने भी ये सवाल हैं ये सारे के सारे नकारात्मक विचार हैं, इसी वजह से कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस फील कर रहे हो और उसी वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे हो। ठीक है, देखो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं ना कि हर सिक्के का दो पहलू होता है, इसी प्रकार से विचार भी दो प्रकार से होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, ये हम सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आपके जितने भी यहाँ पर सवाल हैं वो सब के सब क्या हैं, निगेटिव थॉट्स हैं, और इस निगेटिव थॉट्स की वजह से आप एक मानसिक बीमारी से गुजर रहे हो और उस मानसिक बीमारी का नाम है स्ट्रेस, यानी कि आप तनाव महसूस कर रहे हो और इस तनाव की वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे हो। तनाव अलग अलग रूप में हो सकते हैं, वो रूप हो सकता है मेंस पोस्टपोन्ड होने वाला है, कैसे करें, पढ़ें ना पढ़ें, इस वजह से तनाव महसूस कर रहे हो, प्रीलिम्स का रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आएगा तब तो पढ़ें, इस वजह से भी तनाव में हो, वैकेंसी ही नहीं रहेगी तो क्यों पढ़ें, इस वजह से तनाव में हो। तो ये सारे सवाल जो हैं ये निगेटिव थॉट्स की वजह से आ रहे हैं और इस निगेटिव थॉट्स की वजह से आप एक मानसिक बीमारी से गुजर रहे हो और उस मानसिक बीमारी का नाम है स्ट्रेस, और इस वजह से आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। तो आपके ये जितने भी सवाल हैं वो सब और सब नकारात्मक विचार से उत्पन्न हो रहे हैं। ये नकारात्मक विचार कहीं से भी आ सकते हैं, आपके दोस्तों से आ सकते हैं, सोशल मीडिया से आ सकता है, न्यूज़ चैनल से आ सकता है, आपने न्यूज़ में पढ़ लिया कि प्रीलिम्स का रिजल्ट में देरी हो सकती है, आपने ये न्यूज़ में पढ़ लिया कि मेंस का पेपर पोस्टपोन्ड हो सकता है, वो सारे निगेटिव थॉट्स बनकर आपके माइंड में आ गया और उस निगेटिव थॉट्स की वजह से एक मानसिक बीमारी हुई स्ट्रेस, उस वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे हो या जो काम करना चाहते हो वो कर नहीं पा रहे हो। तो ये सारी बातें मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता है कि आपके मन में जितने भी ये सवाल आ रहे हैं वो सब और सब नकारात्मक विचार से आ रहे हैं, यानी कि निगेटिव थॉट्स से आ रहे हैं।
रहे हैं। तो इसका समाधान क्या है? तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन है। क्या है वो सॉल्यूशन? वो सॉल्यूशन है पॉजिटिव थॉट्स, सकारात्मक विचार। तो ये सकारात्मक विचार उत्पन्न कैसे करें, इस पर हम लोग बात करते हैं। और जितने भी आपके सवाल हैं, एक एक सवालों का यहाँ पर एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और इनका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, किससे? सकारात्मक विचार से। चलो, अब यहाँ आपको ये तो पता चल गया कि आपके मन में ये जितने भी सवाल आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? निगेटिव थॉट्स की वजह से आ रहे हैं, नकारात्मक विचार की वजह से आ रहे हैं। आपको इसका समाधान भी पता चल गया कि इसको दूर किया जा सकता है किससे? पॉजिटिव थॉट्स से। यानी कि जब नकारात्मक विचार पर सकारात्मक विचार हावी हो जाए और आप जब सकारात्मक सोचने लगे तो परिणाम भी आपको सकारात्मक मिलेगा। ये सब हमने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार सुना है। तो अब सवाल ये उठता है कि सकारात्मक विचार कैसे लाएं। सबसे पहले सवाल की तरफ जाते हैं कि क्या मेंस का पेपर पोस्टपोन्ड होने वाला है? तो यहाँ पर आपके दो तरीके से विचार हो सकते हैं। एक हो सकता है हाँ, मेंस का पेपर पोस्टपोन्ड होगा। दूसरा आपका थॉट ये हो सकता है कि नहीं, मेंस का पेपर पोस्टपोन्ड नहीं होगा। तो इसमें आपके लिए कौन सा नकारात्मक विचार है? तो इसमें आपके लिए नकारात्मक विचार ये है कि हाँ, आपका मेंस का पेपर पोस्टपोन्ड होने वाला है। जब आप ये नकारात्मक विचार अपने अंदर डाल लेते हो तो आप उसी तरह से रिएक्ट करते हो। जब आपने सोच लिया कि आपका मेंस का पेपर पोस्टपोन्ड होगा, तो आपने सोच लिया कि होगा, फिर आप जो कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ रहे थे वो उस कंसिस्टेंसी के साथ में आप नहीं पढ़ पाओगे। अब जब नहीं पढ़ पाओगे तो स्ट्रेस होगा कि कब पेपर होगा, कैसे होगा, ये सारे विचार आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए निगेटिव थॉट क्या है कि पेपर पोस्टपोन्ड होगा। लेकिन आपको क्या सोचना है, आपके लिए पॉजिटिव थॉट क्या हो सकता है? नहीं, मेंस का पेपर पोस्टपोन्ड नहीं होगा, आपका जो पेपर है वो जून में ही होगा। अब यहाँ पर आप पूछोगे कि सर ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि जो वर्तमान हालात हैं उन हालात को देखते हुए तो ऐसा ही लगता है कि मेंस का पेपर पोस्टपोन्ड होगा, और ये सत्य भी है। लेकिन अगर मान लो कि मेंस का पेपर पोस्टपोन्ड होता है तो इससे आप पर क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे नहीं लगता कि आप पर कोई फ़र्क पड़ना चाहिए। यहाँ पर अगर पोस्टपोन्ड हो भी जाता है पेपर, तो यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ना कि कोई नकारात्मक सोच होनी चाहिए। अगर पेपर पोस्टपोन्ड हो गया तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगा। कैसे अपॉर्चुनिटी होगा? आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कितना पोस्टपोन्ड होगा? जुलाई में पेपर नहीं होगा, अगस्त में पेपर नहीं होगा, सितंबर में पेपर होगा। तो यहाँ पर आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। बार बार ये शिकायत करते हो ना कि सर जैसे प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम खत्म होता है, उसके बाद तुरंत मेंस होता है, पढ़ने का समय नहीं मिल पाता है, तैयारी नहीं कर पाते, ये सब्जेक्ट में कम स्कोर हो गया। तो इस तरह से बहुत सारी शिकायतें आपकी रहती हैं ना, तो इन शिकायतों को दूर करने के लिए आपके पास में बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो आप ये सोचकर ये निगेटिव थॉट के साथ में पढ़ना छोड़ दो कि पेपर पोस्टपोन्ड होने वाला है, ये गलत बात है। आप पॉजिटिव थॉट रखो कि पेपर जून में ही होगा, और अगर अगस्त सितंबर अक्टूबर में पेपर होता है तो वो आपके लिए कोई नकारात्मक सोच नहीं होनी चाहिए, वो आपके लिए कुछ नकारात्मक नहीं होना चाहिए, बल्कि वो पॉजिटिव थॉट होना चाहिए। वो पॉजिटिव थॉट ये होना चाहिए कि वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, वो आपके लिए एडवांटेज है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, आप बेहतर तरीके से रिवीजन कर सकते हो, बेहतर तरीके से अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो, आपने जो पिछली बार गलतियाँ की उन गलतियों से सीख सकते हो। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव थॉट रखो कि पेपर पोस्टपोन्ड नहीं होगा, आपका पेपर जून में ही होने वाला है, उसी हिसाब से आप अपना सिलेबस कवर करो। और अगर पेपर पोस्टपोन्ड हो गया तो जो बाकी का समय मिल जाएगा वो आप अपने लिए उसे अपॉर्चुनिटी बना लो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस तरह से आप सकारात्मक विचार उत्पन्न कर सकते हो। सकारात्मक विचार ये हो सकता है कि आपका पेपर जून में ही होने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपका दो महीने पेपर बढ़ रहा है, वो अपॉर्चुनिटी के रूप में उसको लो। मेरी बात समझ रहे हो ना? जैसे आई थिंक मैं अगर सही हूँ तो 2015 या 16 में आपका जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हुआ था CGPSC का, वो जून में हुआ था। उसके बाद शायद मेंस आपका नवंबर या दिसंबर में हुआ था। तो उससे कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो उसे आप, अगर वो सत्य है कि पोस्टपोन्ड होगा, तो उसे आप नकारात्मक सोच न रखकर उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। क्लियर है? अब उसी प्रकार से यहाँ पर जो आपका सेकंड क्वेश्चन है कि प्रीलिम्स का रिजल्ट कब तक आएगा, तो इसका जवाब भी मुझे नहीं लगता है कि फिर से बताना होगा, क्योंकि पहले वाला जो सॉल्यूशन मैंने बताया उसी का सॉल्यूशन आपके दूसरे सवाल में भी है।
समझ रहे हो। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ये भी सवाल कर रहे थे कि सर मेरा प्रीलिम्स में जैसे मार्क्स आए हैं उस हिसाब से नहीं लगता कि मेरा पेपर निकलेगा, तो मैं क्या करूँ। तो आप नकारात्मक ये सोच रहे हो कि आपका पेपर नहीं निकलेगा, आप ये सोचो कि आपका पेपर निकलेगा। अगर ये सोच लेते हो तो आपकी जो पढ़ाई है वो कंसिस्टेंट रहेगी। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि मेंस के लिए पढ़ें या प्रीलिम्स के लिए पढ़ें, तो आप मेंस के लिए पढ़ो, मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ो और बेहतर तरीके से पढ़ो। ये जो अभी वक्त मिला है ना, स्ट्रैटेजी बनाओ, आप अपनी गलतियों को ढूंढो कि पिछली बार आपने क्या गलती की जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, उस गलतियों पर काम करो, ठीक है। तो जो बेहतर तरीका हो सकता है इस वक्त घर में, तो आपको इस वक्त बहुत बड़ा अवसर मिला है खासकर आप लोगों के लिए कि आप इस वक्त को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सको, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो तीसरा सवाल है, क्या 2020 में कोई वैकेंसी आने वाली है या नहीं आने वाली है। इस नेगेटिव थॉट को आप बिल्कुल अपने मन से निकाल दो कि 2020 में कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। इस थॉट के साथ में चलो कि 2020 में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि अगर आप इस सोच के साथ में रहोगे कि अरे यार लॉकडाउन है, सरकार के पास में पैसा नहीं होगा, सरकार वैकेंसी कहाँ से निकालेगी, और अगर मान लो कोई वैकेंसी आ गई और आपने तैयारी नहीं रखी, तो सबसे ज़्यादा उस वक्त आपको अफसोस होगा। तो अभी इस नेगेटिव थॉट के साथ में चलना कि 2020 में कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है, ये खुद को बेवकूफ़ बनाने जैसा है। इसीलिए अपने मन में ये सोच कर रखो कि 2020 में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है और आपको उसके लिए बहुत मेहनत करना है, बहुत पढ़ाई करना है। वो पढ़ाई कैसे हो सकता है, स्ट्रैटेजी बनाओ, सिलेबस स्टडी करो, खुद को एनालिसिस करो, पढ़ते वक्त आप कौन सी गलतियां करते हो, कंसिस्टेंट कैसे रहो, इन सब सारी बातों के बारे में जानो। तो ये सवाल अपने मन से निकाल दो कि 2020 में कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। ये सवाल अपने मन में रखो कि 2020 में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। नेक्स्ट सवाल की तरफ जाओगे तो नेक्स्ट सवाल आपका है कि सर क्या एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला है। बहुत सारे बच्चे इस तरह से भी सवाल पूछ रहे हैं कि सर हमने प्रीलिम्स दिया, क्या पीएससी 2019 का एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला है। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि आपसे ये जिसने भी बोला होगा कि आपका जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो कैंसिल होने वाला है, या फिर आपने कहीं से भी सुना होगा कि, या फिर आपके मन में कहीं से भी विचार आए होंगे कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल होने वाला है, तो मेरा आपसे एक सवाल है। आपने 2012 में सुना होगा या 2011 में सुना होगा, एक मूवी भी आई थी कि 2012 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अब कहीं से भी सुने हो, मूवी से सुने हो या न्यूज़ से सुने हो, कहीं से भी पढ़े हो, तो क्या आपने उसे सत्य माना था कि 2012 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, पहला एग्ज़ाम्पल। उसके बाद अगर दूसरा एग्ज़ाम्पल देखें तो कभी भी जब आप देखते हो इंडिया पाकिस्तान का मैच चलते रहता है, तो कई लोग आपसे कहते हैं कि देखना आज तो पाकिस्तान ही जीतेगा, लेकिन उस वक्त आप क्या कहते हो, आपका विचार क्या कहता है, नहीं इंडिया जीतेगा। आप मानते हो कि पाकिस्तान जीतेगा, कभी नहीं मानते। उसी प्रकार से कभी आप अपने दोस्तों से लड़ाई कर लेते हो, घर में भाई बहन से झगड़ा कर लेते हो, तो गुस्से में वो बोल जाते हैं कि साले तू तो कुत्ते की मौत मरेगा, तो आप इस बात को मान लेते हो कि आप कुत्ते की मौत मरोगे, नहीं ना। तो उसी प्रकार से ये जो नेगेटिव थॉट्स आए आपके मन में, कहीं से भी आए, किसी ने भी आपको दिया, तो आप इस पर कैसे यकीन कर सकते हो कि आपका जो पीएससी 2019 है वो कैंसिल होने वाला है, नहीं ना। तो जिस तरह से आप ये यकीन नहीं करते कि 2012 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी या इंडिया की जगह पाकिस्तान मैच जीत जाएगा या फिर आप कुत्ते की मौत मर जाओगे, तो आप इस बात पे कैसे यकीन कर सकते हो कि एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है। हमेशा पॉजिटिव सोचो, और तरीका ये है कि आपकी सोचने की क्षमता किस प्रकार से है या आप सोचना क्या चाहते हो। हमेशा नकारात्मक विचार आपके सकारात्मक विचार पर इसीलिए हावी हो जाते हैं क्योंकि आप उसको हावी होने देना चाहते हो, और अगर आप चाहते हो कि आपके नकारात्मक विचार हावी ना हो, तो ऐसी चीज़ों से दूरी बनाओ जहां पर आपको ये लगता है कि उसका नकारात्मक विचार मुझ पर हावी हो रहा है। हमेशा ये सोच कर चलो कि जिस डेट पर आपका एग्ज़ाम होना था उसी डेट पर एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। आप समझ रहे हो मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने आप पर कभी भी नकारात्मक जितने भी विचार हैं उसको हावी ना होने दें, क्योंकि वो जब हावी हो गया तो इन सवालों में बदल जाएगा और ये सवाल एक मानसिक बीमारी में बदल जाएगा, और उस बीमारी को कहते हैं स्ट्रेस, और उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे।
तो हमेशा सकारात्मक सोचो, और आप सकारात्मक सोचते सोचते जब आपका मान लो कि मेंस का पेपर पोस्टपोन्ड हो गया, तो जो आपको बीच में वक्त मिला वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगा, ना कि आपको नुकसान करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सकारात्मक विचारों के साथ में चल सकते हो। तो ये आपका कौन सा हो गया, एग्ज़ाम कैंसिल वाला सवाल। तो इस कोई सवाल ही नहीं बनता कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा। आप ये सोच कर चलो कि जिस डेट पे मेरा एग्ज़ाम होना था उसी डेट पे होगा, उसी हिसाब से तैयारी करके चलो। क्लियर है? चलो, इसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वो सवाल है हमारा कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ आप समझने की कोशिश करो कि आप अपने पढ़ाई पे, अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, इसे आप ये भी कह सकते हो कि आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो रहा है, इसीलिए आप अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। और मैं समझ रहा हूँ कि ये आपका जो माइंड है वो क्यों डाइवर्ट हो रहा है। इसका एक सबसे बड़ा जो जड़ है, जिस वजह से आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, वो है आपका सोशल मीडिया। जैसे ही आप सोशल मीडिया खोलते हो तो आप न्यूज़ सुनते हो कि अमेरिका में इतने लोग मर गए कोरोना वायरस की वजह से, इतने लोग संक्रमित हो गए। तो ये सब जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, कहीं ना कहीं आपके माइंड को जो है वो डाइवर्ट कर रहा है। इस वजह से आप जो काम करना चाहते हो उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो। इसका एक बहुत अच्छा मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। परसों की बात है कि मैं फेसबुक पे मैंने एक वीडियो देखा, एक विकलांग आदमी जो अपने पैरों से चल भी नहीं सकता, उत्तर प्रदेश की ये घटना थी, वो एक 62 साल की बुज़ुर्ग महिला को बैठकर गोली मारते रहते हैं। और पूरा वो वीडियो रियल था, वहाँ पर कैसे गोली मारता है, कैसे ब्लड निकलता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर उस सोशल मीडिया के उस वीडियो में था। और ऊपर से कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, अगर ऊपर से एक पत्थर भी नीचे फेंक देते तो वो इंसान उसे गोली नहीं मार पाता, लेकिन वहाँ पर लोग वीडियो बना रहे थे और उस महिला को नहीं बचा पाए। उसके बाद मुझे उस रात या फिर अगले दिन भी मैं उस पर सोचते रहा, मैं सो नहीं पाया उस पूरी रात। सवाल ये था, एक तो मैंने उसे गोली मारते देखा तो कैसे तड़प कर मर रही थी, वो चीज़ मैंने देख लिया। उसके बाद मैंने ये देखा कि हो सकता था थोड़ा सा अगर ऊपर वाले एफर्ट लगा देते तो उसे बचाया जा सकता था। तो ये सारी सोच मेरे मन में चल रहा था, जिससे मेरा जो माइंड था वो डाइवर्ट हो रहा था। ये वीडियो आपको कल मिल जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा माइंड डाइवर्ट था, इसलिए मैं बना नहीं पा रहा था। तो आपका जो भी माइंड डाइवर्ट हो रहा है ना, वो सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे, नेगेटिव थॉट्स होंगे, तो उस वजह से कहीं ना कहीं आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है। दूसरा, आप घर में बंद हो, ये भी विचार आपके मन में होंगे, इसीलिए भी आपका माइंड डाइवर्ट होगा कि खुले में जाने को नहीं मिल रहा, घर में रहकर कितना पढ़े हैं, इस वजह से भी आपका माइंड डाइवर्ट होगा। कहीं ना कहीं आप अगर न्यूज़ चैनल्स देखते होगे तो इसमें कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान का डिबेट देख ले रहे होगे, उससे भी कहीं ना कहीं आपका मन जो है वो डाइवर्ट हो रहा होगा। ठीक है, ये जस्ट एग्जाम्पल है कि आपका माइंड डाइवर्ट क्यों हो रहा है। ये भी हो सकता है कि आपने कहीं से सुन लिया मेंस का पेपर पोस्टपोन्ड होने वाला है, आपने कहीं से सुन लिया कि प्रीलिम्स का जो रिज़ल्ट है वो बहुत लेट से आने वाला है, आपने ये भी सुन लिया कि 2020 में कोई वैकेंसी नहीं आएगी, इसलिए भी आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है। तो माइंड डाइवर्ट होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ये सारे कारण का परिणाम एक ही है, वो क्या है, नेगेटिव थॉट्स। सारे जितने भी कारण हैं वो सब और सब कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसका समाधान क्या है, देखो मैं इसका बेहतर समाधान बताता हूँ, हालांकि मुश्किल है इस पर अमल करना, लेकिन फिर भी आप कोशिश करना इसे करने की। सोशल मीडिया से दूरी बनाओ, जितना कम हो उतना इस्तेमाल करो इस वक्त सोशल मीडिया का। मेरी बात समझ रहे हो, ये मुश्किल है लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। और कैसे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो आप अपनी पढ़ाई के ऊपर में, देखिए सबसे अच्छा तरीका होता है ना कि आप उसी माहौल में जीने की कोशिश करो जिस माहौल में आप पहले जी रहे थे, जिस माहौल में आप पहले कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे पढ़ाई। रूटीन, डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है। सुबह उठो, फ्रेश हो, एक्सरसाइज करो, योगा कर सकते हो तो योगा करो, घर पर जिम कर सकते हो तो घर पर करो। ये सब चीज़ ना कहीं आपका जो माइंड होता है ना वो फ्रेश रखता है। अच्छी अच्छी बातें सोचो, आप अपने गोल के बारे में सोचो, आप इस तरह से विचार कर सकते हो। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आप अपने माइंड को डाइवर्ट होने से बचा सकते हो, ये सारे रूटीन को अगर आप फॉलो करते हो तो। और जब माइंड डाइवर्ट आपका नहीं होगा तो आप
एक बेहतर तरीके से कॉन्सेंट्रेट करके आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। गोल के बारे में सोचो, जब आप कुछ पॉजिटिव खुद को मोटिवेट करोगे वहाँ पर अपने गोल के बारे में सोचकर, तो अपनी पढ़ाई पर भी वहाँ आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। तो इस तरह से आपका जो माइंड डाइवर्ट हो रहा है उसे आप डाइवर्ट होने से रोक सकते हो। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था वो कंसिस्टेंसी को लेकर था। वो बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि सर हम जिस कंसिस्टेंसी के साथ में पहले पढ़ रहे थे उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पा रहे, और ऐसे हालात में ये सच बात है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना आसान काम नहीं है। और आपका इन सवालों का अगर मैं जवाब दूं तो ऊपर जितने सवालों का जवाब मैंने दिया ना, उस सवाल के जरिए अगर आप कुछ पॉजिटिव थॉट रखते हो तो आप कहीं ना कहीं आप अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हो। इसके अलावा मैं ये बोलूँगा कि कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने का सबसे अच्छा तरीका है इमेजिन करो। इमेजिन किस तरह से कर सकते हो कि देखो, जब भी आप, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब भी आप रात को सोने जाते हो तो अक्सर ये हर किसी के साथ में होता है, जो आपके सपने होते हैं जिसे आप पूरा करना चाहते हो उसके बारे में आप सोचते हो। जैसे जब आप रात में सोने जाते हो तो आप उस जगह पे आप अपने आप को इमेजिन करते हो, डिप्टी कलेक्टर के पद पर आप बैठे हुए हो, आपके पास में लोग हैं, आपको रेस्पेक्ट मिल रहा है, घर परिवार सोसाइटी में रेस्पेक्ट मिल रहा है, आपकी अच्छी लड़की से शादी हो रही है, आपके अच्छे लड़के से शादी होगी, तो ये सारी बातें आप सोचते रहते हो। और ये हर किसी के साथ में होता है, जब वो सोने जाता है तो इस तरह से जो उसके ड्रीम्स होते हैं, जो सपने होते हैं जिसे वो पूरा करना चाहता है, इसके बारे में सोचता है। वहाँ उसको क्या मिलता है? पॉजिटिव थॉट मिलता है, वहाँ उसको एनर्जी मिलता है। उस एनर्जी की वजह से वो अगले सुबह कंसिस्टेंट रह पाता है। तो दिन भर आप अपने ड्रीम्स के बारे में सोचो, अपने गोल के बारे में सोचो, सोचो कि उसको कैसे पूरा कर सकते हो और सोचो कि उसको पूरा करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो हर वक्त अपने माइंड में अपने ड्रीम्स को सोचो, अपने गोल को सोचो, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर कैसे कर सकते हो उसके बारे में सोचो। तो उसके जरिए आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो। और सबसे बड़ा एक और तरीका है कि आप रूटीन ज़रूर फॉलो करो। मैंने पहले भी बताया रूटीन बहुत मायने रखता है। पहले जिस वक्त उठा करते थे उसी वक्त उठो, पढ़ाई करने का अलग अलग स्लॉट बना लो, इतने से इतने घंटे पढ़ो, इतने से इतने घंटे पढ़ो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि लगातार आप पढ़ते ही रहो, लेकिन स्लॉट बनाकर पढ़ो। तो उस तरह से आप वहाँ पर कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो यहाँ पर एक जो सवाल है ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं मानता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो बिलासपुर में रहकर कोचिंग कर रहे थे, रायपुर में रहकर कोचिंग कर रहे थे, जैसे ही लॉकडाउन होने वाला था या कोचिंग्स में छुट्टी हुई तो दो चार नोट्स पकड़कर और घर चले गए। अब घर चले गए तो बाकी सारे उनके नोट्स जहां वो रहकर पढ़ रहे थे वहां हैं, तो अब कैसे करें, घर में रहकर पढ़ाई कैसे करें? और उनका कहना है कि कोचिंग सेंटर बंद है तो हम वहां जा नहीं पा रहे हैं, इस वजह से भी हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से भी सवाल है। तो देखिए, मेरा आपसे यही कहना है कि आप 21st सेंचुरी में जी रहे हो। आप इमेजिन करो कि आपको एक अच्छा सा फ़ोन चाहिए होता है, आपके पास में पैसे बहुत कम होते हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे ये फ़ोन ख़रीदना ही है, आप जिद पर आ जाते हो कि मुझे ये फ़ोन चाहिए ही चाहिए। आप दोस्तों से थोड़ा उधारी ले लेते हो, घर वालों से मांग लेते हो, किसी न किसी तरह से आप इस फ़ोन को परचेस कर लेते हो। उसी तरह से अगर आप ये उतावला घर में बैठकर आप अपनी स्टडी के लिए दिखाओगे, और ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं कि मेरे पास नोट्स नहीं है, सारे बिलासपुर में पड़े हुए हैं, रायपुर में पड़े हुए हैं, क्या करूँ, कोचिंग्स बंद हैं, क्या करूँ, तो ये 21st सेंचुरी है। आप 21st सेंचुरी में आपके पास इंटरनेट है, आपके पास में फ़ोन है, जो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहो इंटरनेट पे सर्च करो सारे अवेलेबल हैं, कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएंगे अगर आप पढ़ना चाहो तो। ये इसका बेस्ट सॉल्यूशन है। और जो आप बोल रहे हो कि नोट्स नहीं है, ये कहीं ना कहीं नोट्स नहीं है, कोचिंग सेंटर्स बंद है, ये कहीं ना कहीं खुद को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। तो यार, आप इस तरह से घर में रहकर भी पढ़ाई कर सकते हो और बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। और अगर ये नहीं कर सकते तो आपने जो पहले पढ़ाया उसको रिवाइज़ ही कर लो, बेहतर तरीके से समय ही यूटिलाइज़ कर लो। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए। और ये सवाल, जो कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस सोच में पड़े हुए हैं कि इस सर से अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा,
अगर मैं कोचिंग नहीं जा पाऊँगा तो कैसे पढ़ूंगा। तो ये सारे सवाल मत सोचो, ये खुद को बेवकूफ़ बनाने वाली जैसी बात है। अगर आप कुछ करना चाहते हो ना तो आप कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, अगर आपके अंदर सकारात्मक सोच है तो आपको परिणाम भी सकारात्मक ही मिलेगा, और अगर आपके अंदर नकारात्मक सोच है तो परिणाम भी नकारात्मक ही मिलेगा। अगर आप ये सोच कर बैठ जाओगे कि मेरे पास नोट्स नहीं है, कैसे पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, तो आप बैठे रहोगे। और अगर आपके को ये पता है कि मैं पढ़ सकता हूँ तो आप बिल्कुल पढ़ोगे। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो आपका सवाल है आप लोगों का, वो नए बच्चों का है कि हम इस वक्त क्या करें। कई बच्चे ऐसे हैं जो फोर्थ ईयर में और ये बच्चे चाहते थे कि जैसे ही मेरा पेपर ख़त्म होगा, मेरा कॉलेज ख़त्म होगा, मैं पीएससी की तैयारी करूँगा, मैं ये एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा। इन लोगों की भी एक अपनी स्ट्रैटेजी थी उस वक्त, लेकिन लॉकडाउन हो गया तो घर में बैठे हुए हैं, इनको भी चाहिए कि हम कैसे अपना स्ट्रैटेजी बनाएं। तो आपके लिए बेहतर तरीका ये है, आप घर में बैठो, एकांत में बैठो, आप सोचो कि आप क्या करना चाहते हो और जो करना चाहते हो उसे कैसे कर सकते हो। बेस्ट तरीका ये है कि आप जो भी करना चाहते हो, आपका जो भी ड्रीम है, उस ड्रीम के बारे में सोचो, आप इसे कैसे प्राप्त कर सकते हो इसके बारे में सोचो। देखो, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप जब कभी भी ऐसा महसूस करते हो कि दिन भर बहुत व्यस्त रहते हो, और उस समय अगर आप कुछ सोचना चाहते हो या अगर कुछ अच्छी चीज़ सोचना चाहते हो तो आप सोच नहीं पाते हो, लेकिन जैसे ही आप अकेले में जाते हो या फिर रात में सोते वक्त जाते हो, तब आपको वो चीज़ याद आती है कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो जब आपको ये अपॉर्चुनिटी मिला है घर में रहने का, बहुत लंबा समय है कि आप घर में रह सकते हो, तो आपका जो दिमाग है वो एकांत है, अकेले में है, तो इस वक्त आप अपने लिए बहुत कुछ सोच सकते हो। अपने ड्रीम्स के बारे में सोचो, डिप्टी कलेक्टर बनना है तो सोचो कैसे बन सकते हो, DSP बनना है तो सोचो कैसे बन सकते हो। इसके लिए अगर आप पढ़ाई शुरू करना चाहते हो तो कॉम्पिटिशन कम्युनिटी का ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल है, और इसके बाद अगर आप पढ़ाई शुरू करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो अभी जो आपके पास में वक्त है बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करने के लिए, आप हमारे मोबाइल कोर्स को भी परचेस कर सकते हो। हमारे YouTube पे भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, वहाँ से शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप कहीं ना कहीं अपने आप को शुरू कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जो नए प्रतिभागी हैं वो अपने रास्ते तैयार करें, किस प्रकार से आप वहाँ तक जा सकते हो, स्ट्रेटजी बनाएं, प्लानिंग करें, अकेले में बैठकर सोचें कि आप वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हो, कैसे पढ़ सकते हो, कौन कौन चीज़ें, किस किस चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, इन सब सारी चीज़ों के बारे में आप सोचो। बेसिक कवर करने की कोशिश करो, स्टार्टिंग करने की कोशिश करो, तो घर में रहकर आप इस तरह से अपने समय को यूटिलाइज़ कर सकते हो। चलिए इसके बाद हम अपने लास्ट पॉइंट पे आते हैं, लॉकडाउन स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। अच्छा, उससे पहले हम लोग यहाँ पर ये बात थोड़ा सा जानते हैं कि लॉकडाउन, हम सभी को पता है कि ये मजबूरी में किया गया है। जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण फैला हुआ है उसके लिए एकमात्र जो हमें उपाय सुझा वो था लॉकडाउन, इस वजह से लॉकडाउन किया गया। और इस मजबूरी की वजह से बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं और पड़ने वाले भी हैं। ये नकारात्मक किस प्रकार से हो सकते हैं, अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, इससे देश के विकास पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, जॉब्स पे बहुत सारे प्रभाव पड़ने वाले हैं। तो बहुत सारे इस लॉकडाउन के नकारात्मक प्रभाव भी पड़ने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन की वजह से नकारात्मक प्रभाव के साथ साथ बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो सकारात्मक प्रभाव में भी देखने को मिला है। कैसे, जैसे मैंने शुरू में भी बताया था, लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है इस लॉकडाउन की वजह से। लोगों ने सेल्फ कंट्रोल सीखा है। कैसे, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल शुरू में दिया था कि आप सोच सकते थे कि एक महीने तक घर में रह सकते हो, रहा। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आप बिना बाहर खाए इतने दिनों तक रह सकते हो, या अपनी इस दोस्त से मिले बिना रह सकते हो, ये किए बिना रह सकते हो, लेकिन घर में रहकर कर रहे हो ना। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सेल्फ कंट्रोल करना सिखाया। इसके अलावा इस लॉकडाउन ने आपको फैमिली वैल्यू सिखाया। इसके अलावा नेचर को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है आपने इस लॉकडाउन में। कैसे, आप पूछिए जाकर जालंधर के लोगों से, 300 किलोमीटर दूर उनको वहाँ से हिमालय पर्वत श्रेणियाँ की धौलाधार पर्वत, इतना वायु साफ हो चुका है। दिल्ली के लोगों से पूछो, दिल्ली में ये चमत्कार से कम नहीं देखा जा रहा है। जो एयर क्वालिटी है वो 50 से नीचे पहुँच चुका है। गंगा नदी की स्थिति देखो कितनी स्वच्छ हो चुकी है, यमुना नदी की स्थिति देखो। तो कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन की वजह से आपने नेचर को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है।
तो ये सब सकारात्मक चीज़ें भी इस लॉकडाउन की वजह से हुआ है, ठीक है। और इस लॉकडाउन ने आपको ये भी सिखाया है कि अगर आप घर में हो तो आप कितने बड़े खुशकिस्मत इंसान हो। तो इस लॉकडाउन से सिर्फ नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है, कहीं ना कहीं सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। तो अब इस सकारात्मक प्रभाव के बीच आपकी लॉकडाउन स्ट्रेटजी किस प्रकार से होनी चाहिए, तो कुल मिलाकर जितनी बातें हमने ऊपर में की कि आप अपने ड्रीम्स के बारे में सोचो, जो नए प्रतिभागी हैं क्या करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में कैसे वहां तक पहुंच सकते हो, उसके लिए रास्ता बनाओ, नए नए विचार पैदा करो, इस तरह से आप कर सकते हो। जो छात्र किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों वो सोचें कि ये एग्ज़ाम कैसे निकलेगा, और अगर आपने पिछली बार उसी एग्ज़ाम को दिया और उसमें कुछ कमियां रहेंगी जिसकी वजह से आप उस एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाए, तो उसके बारे में सोचो कि वो एग्ज़ाम कैसे निकलेगा। तो इस तरह से आप अपनी स्ट्रेटजी जो है वो बना सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना कि इस वक्त आपको रूटीन बनाना चाहिए, इस लॉकडाउन में समय व्यर्थ ना करके, मूवीज़ और वेब सीरीज़ में ज़्यादा समय जाया ना करके आप रूटीन बनाएं। जैसे आपका पहला रूटीन हुआ करता था, सुबह उठते हो, उसके बाद आप कोचिंग्स जाते थे या फिर जो भी करते थे, लाइब्रेरी जाते थे, वहाँ जाकर पढ़ाई किया करते थे, तो उसी तरह से रूटीन फॉलो करो, डिसिप्लिन मेंटेन करो, तो वो आपका स्ट्रेटेजी का हिस्सा होगा, उससे आपकी जो भी कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रह पाएगी। तो इस तरह से आप अपनी लॉकडाउन स्ट्रेटेजी बना सकते हो, आप क्या करना है, कैसे करना है। पिछली बार आपने करने की कोशिश की लेकिन बहुत सारी गलतियां रह गई, तो उन गलतियों से सीख सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपके इन सारे सवालों का जवाब देने की मैंने कोशिश की है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों के जो 25% मैंने बोला कि कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी थे। एक बच्चे का उसका सवाल था कि सर 2018 में जब मैंने मेंस दिया था तो कुछ नंबर से मैं पीछे रह गया था, अभी क्या करना चाहिए। तो मैं उनसे यही बात कहना चाहूँगा कि जब आपने 2018 का पेपर दिया, आप वहाँ पर सेल्फ एनालिसिस करो कि आपके मार्क्स जो हैं वहाँ कहाँ पर कम पड़े, या फिर आपने कौन सी गलतियाँ की थी, या फिर अगर तैयारी में कहीं पास कमी रह गई थी तो वो कमी किस प्रकार से थी, उसको दूर करने की कोशिश कीजिए, उसको एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। और इस साल कोशिश कीजिए कि आपकी जो पिछले साल कमी रह गई थी वो कमी ना रहे, और मानकर चलो जून में पेपर होगा, ये सकारात्मक सोच आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। और कुछ लोगों का सवाल था कि पेपर नंबर 4 की तैयारी कैसे करें, पेपर नंबर 4 में आपका अप्लाइड साइंस आ जाता है, मैथ्स रीजनिंग आ जाता है, तो वो पेपर में मैं नहीं मानता कि आपका अप्लाइड साइंस में किसी प्रकार से कोई दिक्कत होगा, लेकिन अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग में दिक्कत आ रही है तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से वहाँ पर आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, ठीक है। इस तरह से अगर आपको कुछ सब्जेक्टिव डाउट होता है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम पे जो मैंने व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल करवाया था उस पर आप भेज सकते हो, तो वहीं से आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरा बताने की कोशिश की है कि इस लॉकडाउन के दौरान आपके मन में जो नेगेटिव थॉट आ रहे हैं उसे आप पॉजिटिव थॉट में किस प्रकार से बदल सकते हो, पॉजिटिव थॉट में बदल कर ही आप अपने समय का इस वक्त सही सदुपयोग कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर नकारात्मक विचारों के ऊपर में सकारात्मक विचारों को हावी करना होगा, ठीक है। और ऐसा अभी माहौल है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो नकारात्मक विचार इतना प्रभावी है इस वक्त कि उसे वक्त नहीं लगेगा सकारात्मक विचार पर हावी होने में, जो आपका बचा खुचा सकारात्मक विचार है उस पर भी। तो जितने मैंने तरीके बताए हैं फिर से एक शॉर्ट में बता दूं कि आपको क्या क्या करना है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप सोशल मीडिया से इस वक्त जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा दूर रहो। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते भी हो तो सिर्फ उतना ही करो जितना आपका ज़रूरत हो, करते भी हो तो बहुत कम करो। अगर यूज़ करना नहीं बंद कर सकते तो कंट्रोल करो। न्यूज़ चैनल्स जो हिंदू मुसलमान के डिबेट चल रहे हैं वो सब देखना बंद करो, बिल्कुल निगेटिव थाट्स आते हैं उससे, ठीक है। दूसरा, रूटीन मेंटेन करो, डिसिप्लिन मेंटेन करो, ठीक है। एक्सरसाइज करो, उस सबसे आपका जो माइंड है वो फ्रेश रहता है, तो ये सब सारी चीज़ें करो। जो आपका हैबिट पहले था उसे कंटिन्यू करने की कोशिश करो। हर वक्त ये सोचने की कोशिश करो कि जब आप उस पावर पे होगे, जब आप डिप्टी कलेक्टर बन गए होगे, कलेक्टर बन गए होगे, तो उस वक्त आपको किस प्रकार से लोगों का रेस्पेक्ट मिल रहा होगा, वो सब सारी चीज़ें सकारात्मक सोचो, अच्छी चीज़ें सोचो, कुछ अच्छी अच्छी मूवी देखो जिससे आपको मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हो आप इस वक्त, ये सब सारी चीज़ें कर सकते हो। और ये मन से बिल्कुल निकाल दो कि मेंस का पेपर पोस्टपोन होने वाला है, प्रीलिम्स का रिजल्ट कब आएगा, क्या 2020 में वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, सब सकारात्मक सोचो। जून में ही आपका पेपर होगा, रिजल्ट भी आपका कभी भी आ सकता है, वैकेंसी भी बहुत सारी आने वाली है,
ये सब सोच कर चलोगे ना, तो अगर मान लो मेंस का पेपर पोस्टपोन भी हो गया तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगा और कुछ नहीं होगा। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए अच्छी बात होगी कि आपको और रिविज़न करने का मौका मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को कंसिस्टेंट रख सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपके जितने भी सवाल थे उन सवालों का जवाब मैंने यहाँ पर देने की कोशिश की है। तो आप यहाँ एक काम और कर सकते हो, मेरे अंदर पॉजिटिविटी लाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, आपको पसंद है तो अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हो, हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इससे मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए पॉजिटिविटी मिलेगी। ठीक है, तो आप इतना कर सकते हो। और हाँ, अगर घर में बैठकर आप बेहतर तरीके से समय को यूटिलाइज़ करना चाहते हो तो हमारे मोबाइल कोर्स से भी जुड़ सकते हो। हमारी वेबसाइट पे चले जाएं या डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, हर जगह पे आपको हमारे मोबाइल कोर्स से जुड़ा हुआ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार से इसके बाद भी अगर समस्या रह जाती है तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद, स्वस्थ रहें, घर में रहें। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।